अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलियिल अज़ीम। औज़ु बिललाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यति वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबीयीन तहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदुना व नबीयुना व शफीउना व तबीबुना व हबीबुना व करीमुना व इमामुना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुजूर जनाब अबुल कासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन गुर्र मयामीन व असहाबिल मुत्तकीन मुंतखबीन मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाईन मिन यौमिना हादा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो हजरात जरा पीछे हैं गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सामने चले आए ताकि बाद में आने वालों को दिक्कतें पेश ना आए। मेरी जान थोड़ा साउंड बढ़ा दो। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लत इस्लामिया बंदेगाने तौहीद व आशिकाने रसूल व आले रसूल गदायाने दरबारे बुतूल मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। माशाल्लाह आज इस अहमदाबाद की अला खाना हुसैनिया में मेरी पहली हाजिरी है और इंशाल्लाह आज से लेकर मुसलसल 5 रोज तक पंजतने पाक के सदक़े में खमसाए मजालिस से इंशाअल्लाह आप लोगों के दरमियान मैं रूबरू रहूंगा। या अल्लाह की रजा अहले बैत की यता
मोमिनी ने गुजरात की मोहब्बतें, जनाबे सैयदा का हुक्म, इंतजामिया का खुलूस, ये सारी चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। और जिन लोगों ने मुझे सुन रखा है वो तो मेरा मिजाज जानते ही हैं, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बताना जरूरी है कि मेरा भी बचपन से एक मिजाज है अहमदाबाद वालों, मैं तकरीर कब्रिस्तान में करने का आदि ही नहीं हूं, इसलिए कि मैदान का आदमी हूं, मैदान में बोलता हूं। वजह है ना, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। माशाल्लाह, मेरी तरफ देखते रहना भाई। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़े आप सब मिलकर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप इधर बैठिए पूरी तवज्जो। तो मुझे लगना चाहिए कि मैदानियों के बीच बोल रहा हूं, इसलिए कि गूंगों के बीच पर तकरीर करने का आदि ही नहीं है शब्बीर वारसी, इसलिए कि जिक्र उस अली का करता हूं जिसका नाम लेने के बाद गूंगों को भी जुबान मिल जाती है ना। और माशाल्लाह ये दो साहिबाने जुबान मजमा बैठा है, मौला फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ, तो यहाँ पर अली अली बोलोगे तब वहां पर अली अली बोलने दिया जाएगा है? जो यहाँ नहीं बोलेगा वो वहां भी नहीं बोल पाएगा। मैंने इस मुकद्दस और मुअज्जज खमसा मजालिस के लिए और इस इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफी हिदायत की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा सुहन में मैंने जिसे मौजूए गुफ्तगु करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाउना इल्ला अन यशाउल्लाह। ये वो है जो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते, ये वो हैं जिनकी हर अदा अल्लाह की मर्जी, जिनकी हर अदा अल्लाह की मर्जी, जिनका सांस लेना अल्लाह की मर्जी, जिनकी इबादत अल्लाह की मर्जी, जिनकी हिदायत अल्लाह की मर्जी, जिनकी गुफ्तार अल्लाह की मर्जी, जिनका किरदार अल्लाह की मर्जी, जिनका लहजा अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी क्या है? अल्लाह की मशीयत। पूरी तवज्जो, अल्लाह की मशीयत और उसकी मशीयत पर किसी को दखल नहीं है। पूरी तवज्जो, अल्लाह कहता है कि कुंता कंजन मखफिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने चाहा कि अपने आप को पहचानवाऊं तो मैंने क्या किया, फखलकतुल खल्क। अल्लाह कह रहा मैंने एक खल्क को खल्क किया और उसे मोहम्मद बना दिया। पूरी तवज्जो, अल्लाह कह रहा फखलकतुल खल्क, मैंने खल्क को खल्क किया। नहीं समझा अहमदाबाद, और हल्का कर दूं जुमला। अल्लाह कह रहा मैंने ऐसे को पैदा किया जो पहले से पैदा हो चुका था। फखलकतुल खल्क, मैंने खल्क को खल्क किया। खल्क क्या है? खल्क है दरमियान की शय। अब आप पूछेंगे मौलाना दरमियान की शय क्या होती है? यहां बहुत से शोरा होंगे, उनसे पूछिएगा उर्दू शायरी में तीन चीजें अहम हैं, फेल फाइल और मफूल। ये फेल जो है ये है दरमियान की शय। क्या मतलब? अगर फेल को हटा दिया दरमियान से तो ना फाइल फाइल रहेगा, ना मफूल मफूल रहेगा। नहीं पहुंचा मेरा मजमा? चलो और हल्का कर दूं।
भाई हम और तुम करते हैं सजदा, करते हैं ना सजदा भाई, पांचों वक्त ना सही, जुमा में तो सजदा करते हैं, जुमा में ना सही, ईद में तो सजदा करते हैं, तो हम सब करते हैं सजदा, तो हम कौन हुए? साजिद। जो सजदा करता है वो कौन है? साजिद। तो हम सब करते हैं सजदा, हम है साजिद। किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को। तो वो कौन है? कहा मौजूद, दरमियान में है सजदा। क्या मतलब? अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद साजिद रहेगा, ना मौजूद मौजूद रहेगा। नहीं पहुंचा मेरा मजमा? भाई हम करते हैं इबादत तो हम हुए आबिद। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। तो वो है माबूद, दरमियान में है इबादत। क्या मतलब? अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद आबिद रहेगा, ना माबूद माबूद रहेगा। अरे नहीं पहुंचे अब तक आप? भाई हमने किया सजदा, हम हुए साजिद, अल्लाह को सजदा किया, वो है मौजूद, बीच में है सजदा। अगर सजदे को हटा दिया तो ना साजिद साजिद रहा, ना मौजूद मौजूद रहा। हमने की इबादत, हम हुए आबिद, अल्लाह की इबादत की तो वो है माबूद, अब बीच में है इबादत। अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद आबिद रहा, ना माबूद माबूद रहा। अल्लाह कह रहा मेरा मोहम्मद ना खालिक है ना मखलूक है, मेरा मोहम्मद खल्क है। अगर बीच से मोहम्मद को हटा दिया तो ना खालिक खालिक रहेगा, ना मखलूक मखलूक रहेगा। एक सलावात बड़े बुलंद तरीन सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई थोड़ा सा बाया हो तो बुलंदर सलावात। अगर वजूदे मोहम्मदी को हटा दिया तो अल्लाह कह रहा मैंने तो अपनी मारिफत के लिए मोहम्मद को खल्क किया, मैंने चाहा कि अपने आप को पहचानवाऊं तो मैंने मोहम्मद को खल्क किया। अच्छा अल्लाह था अकेला, जब मोहम्मद को खल्क किया तो वो खालिक हो गया, ये मखलूक हो गए। मोहम्मद ने सजदा किया, ये साजिद हो गए, वो मस्जूद हो गया। मोहम्मद ने इबादत की, ये आबिद हो गए, वो माबूद हो गया। तवज्जो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद ने किस पे सजदा किया? इसलिए कि जब मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, तो नबी ने कहा अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। तो जब सबसे पहले मोहम्मद को पैदा किया तो मोहम्मद ने सजदा किस पे किया? इसलिए कि मिट्टी थी नहीं, जमीन थी नहीं, आसमान था नहीं, चांद था नहीं, सूरज था नहीं, हवा था नहीं, पानी था नहीं, तो किस पे सजदा किया? कहा नूर ने नूर पे सजदा किया। नूर ने नूर पे सजदा किया। तो भाई जब नूर ने नूर पे सजदा किया तो नूरी पेशानी से नूरी पसीने के कतरे बहने लगे। तवज्जो कीजिएगा, मेरे मोहम्मद के जमीने मानवर से नूरी पसीने के कतरे बहने लगे। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद तू मेरा हबीब है, मेरी कुदरत को ये गवारा नहीं है कि तेरे पेशानी से गिरने वाले पसीने के कतरे जाए हो जाए। मेरे नबी ने कहा परवरदिगार क्या करेगा? अल्लाह ने कहा मोहम्मद अपने पेशानी से पसीनों के कतरों को बहने दो, हम इन्हीं पसीनों के कतरों से कभी आदम को पैदा करेंगे, कभी मूसा को पैदा करेंगे, कभी ईसा को पैदा करेंगे। पूरी तवज्जो। तो 1,23,000
999 नबियों को अल्लाह ने मोहम्मद के पसीने से पैदा किया। अब मैं मौलवी से पूछूंगा कि आदम से लेकर ईसा तक के नबी सब के सब मोहम्मद के पसीने से पैदा हुए, तो तू आदम को क्या कहता है? क्या आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम? मैंने कहा फिर परेशान क्यों हो जाता है जब हम कहते हैं अली अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम? मैंने कहा जरा होश के नाखून ले, अरे जो मोहम्मद के पसीनों से बना वो तो अलैहिस्सलाम, और जो खून है मोहम्मद है। साउंड बढ़ाते रहना भाई। दिन के उजाले में मोहम्मद बुलाते हैं, आका कोई नहीं, रात के अंधेरे में दिया हुसैन बुझाते हैं। तो उसका इख्तियार, उसका दिल चाहा तो अपनी मारिफत के लिए मोहम्मद को खल्क कर दिया। पूरी तवज्जो, अल्लाह कुरान में कह रहा रब्बों को, रब्बों का यखलुकु मन यशाउ व यख्तार, हम जिसे चाहे उसे पैदा करें और जिसे चाहे उसे मुंतखब कर लें, उसे चुन लें। युसव्विरुका का फिलहाल, देखो हमने तुम्हारे माओ के पेट में जैसी चाही वैसी तस्वीर बना दी, जैसा चाहा वैसा चेहरा बना दिया, तो उससे पूछने वाला कोई नहीं है। जैसी मर्जी उसको बना दे, जिसे चाहे उसको बना दे। अल्लाह कह रहा है कुलिल्लाह कुलिल्लाह, अल्लाह कह रहा है वतोहिस्तो मंतशा वतोजिल्लो मंतशा, हमारी मर्जी हम जिसे चाहे इज्जत दे, और हमारी मर्जी हम जिसे चाहे उसे जिल्लत दे। अल्लाह का चैलेंज है जिसे हम इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे हम जलील करना चाहे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। दरबारे यजीद में आकर देख लो, अरे बेड़ी पहन कर भी सज्जाद इज्जतदार है, और तख्त पर बैठ कर भी यजीद दलील खार है। قل اللهم مالك الملك من تشاء, मेरी मर्जी हम जिसे चाहे मुल्क दें, वतनजुल मुल्क मिमन, और हमारी मर्जी जिससे चाहे मुल्क छीन ले। तवज्जो, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जैसा चाहे वैसा बना दे। अच्छा, चांद बनाया ना अल्लाह ने, चांद गोल बनाया ना, सूरज बनाया ना, सूरज गोल बनाया, दुनिया बनाई, दुनिया गोल बनाया। अच्छा, ये सब तो गोल है। कभी तुमने पहाड़ों को देखा? पहाड़ों में कोई शेप होता है? का नहीं, विदाउट शेप। अब मैंने कहा परवरदिगार, चांद को गोल क्यों बनाया चौकोर बना देता, सूरज को गोल क्यों बनाया चौकोर बना देता, दुनिया को गोल क्यों बनाया तिकोना बना देता? तो मौलवी नाराज हो गया, कहने लगा आपको क्या हक है कि अल्लाह की मशीयत पर दखल दे, अल्लाह जैसा चाहे वैसा बना दे। मैंने कहा हम भी तो 1400 साल से तुम्हें यही समझाना चाहते हैं, अल्लाह की मर्जी जैसा चाहे उसे बना दे, और जिसे चाहे उसे बना दे। तुम कौन हो बनाने वाले है?
जैसा चाहे बना दे है? और जिसे चाहे बना दे उसकी मर्जी। इन्नी जायलुन फिल अर्दे खलीफा, हम जमीन पर खलीफा बनाने वाले हैं। और अल्लाह एक जगह कह रहा, लन तजीदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, मेरे कानून में तब्दीली नहीं होती। तो जब अल्लाह कह रहा है जमीन पर खलीफा बनाने वाले हम हैं, तो कयामत तक जब भी जमीन में खलीफा बनेगा उसे मुल्ला नहीं अल्लाह बनाएगा। पूरी तवज्जो, इन्नी जायलुन फिल अर्ज खलीफा, हम जमीन पर बनाने वाले हैं, हमारी मर्जी, जैसा चाहे बनाए जिसे चाहे बनाए हैं। सुम्मा जालना का शरीयत मिनल अम्र फउत्तबेउहा वला तत्तबे अहवाल लजीना ला यालमून। देखो मेरे अम्र की शरीयत पर कायम रहना और खबरदार उनकी पैरवी ना करना जो नहीं जानते हैं। अल्लाह कह रहा है जाहिलों की पैरवी ना करना, उनसे ना पूछो जो नहीं जानते, उनके पीछे मत चलो जो नहीं जानते। तो पता चला उसके पीछे चलना है जो जानने वाला हो, जो सब कुछ जानता हो, उसके पीछे नहीं चलना जो कुछ नहीं जानता। भैया मैं यहाँ पर बैठकर हूँ, आपने मुझसे कुछ सवाल किया, मैंने कहा मैं फला मौलवी से पूछ कर बताऊंगा, तो यानी कि मैं नहीं जानता हूँ ना, तो पूछना बता रहा है कि नहीं जानते हैं। तो आप तलाश करो कि नबी के बाद किससे किससे सवाल किया गया, तो सवाल करने वालों ने कहा पूछ कर बताऊंगा। तो कुरान कह रहा है उससे ना पूछो जो दूसरों से पूछ कर बताए, उससे पूछो जो मिंबर पर बैठ कर गए सलूनी सलूनी। उसके पीछे मत चलो, ला यालमून। आ जाइए आप लोग, थोड़ा आगे आ चले आइए। जहीर भाई कल दो बॉक्स और लगेगा, एक सलावात पढ़िए सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो, उसके पीछे चलना है जो कहे सलूनी सलूनी। पूरी तवज्जो। तो अल्लाह की मर्जी से कौन अमल कर रहा है? वही ना जो मिंबर पर बैठकर कहे सलूनी सलूनी, पूछो पूछो जो कुछ पूछना है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं, मैं जमीनों से ज्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूं। तवज्जो है, उनसे नहीं पूछना जो नहीं जानते हैं। पूरी तवज्जो। फिर अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइदा तुतला अलैहिम आयातुन बय्यिनातिन सूरह यूनुस 15वीं आयत, वइदा तुतला अलैहिम आयातुन बय्यिनातिन क़ालल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना अल्लाह कह रहा है कि जब इनके सामने हमारी रोशन आयतों की तिलावत कर इनके सामने सुनाई जाती है, तो वो लोग जिनको हमसे मिलने की उम्मीद नहीं है वो मेरे हबीब से कहते क्या कहते हैं? देखो इंसानों की ख्वाहिश क्या कहते हैं, बे कुरान गैरा, बे कुरान गैरा हाजे, गैरा हाजे। देखो ऐ मेरे हबीब,
हमारे सामने ये नहीं बल्कि कोई और कुरान ले आइए, तवज्जो, आओ उबदल या फिर इसी कुरान को बदल दीजिए। ये कुरान है कुरान कि या तो कोई दूसरा कुरान ले आइए या नबी, और या तो इसी कुरान में तब्दीली पैदा कर दीजिए हमारी मर्जी से, पूरी तवज्जो। और दावा सवाल मुशरिक नहीं कर रहा है, मुसलमान ही कह रहे थे ना कि या रसूल अल्लाह या तो कोई दूसरा कुरान ले आइए या तो इसी कुरान को बदल दीजिए। तो भाई खतरा था ना कि अगर नबी खाली कुरान छोड़कर चले जाते तो शायद मुनाफिक कुरान को बदल देते। तो नबी ने कहा मैं कुरान अकेला नहीं छोड़ूंगा। मूसा ने खाली तौरात छोड़ी थी, उम्मत ने तौरात को बदल दिया। अरे दाऊद ने तबूर छोड़ा, उम्मत ने तबूर को बदल दिया। ईसा ने खाली इंजील छोड़ा, उम्मत ने इंजील बदल दिया। अगर मैंने भी खाली कुरान छोड़ा तो कुरान बदल देंगे। मेरे नबी ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम सखलैन किताब अल्लाही व इत्रती अहले बैती, मैं कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ कर जाऊंगा। इन्नी तारिकुन फीकुम सखलैन, मैं कुरान के साथ सकलैन छोड़कर जाऊंगा। और सकलैन क्या है? एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इज्जत, मेरे अहले बैत है। क्या कह रहे हैं नबी? कुरान को छोड़कर जाऊंगा, अहले बैत को छोड़कर जाऊंगा। या रसूल अल्लाह क्या जरूरत थी कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ने की? है कुरान के साथ मौलवियों को छोड़ देते हैं, सारे मौलवी खुश हो जाते ना। कुरान के साथ अहले बैत को क्यों छोड़ा? अच्छा छोड़ा क्या चीज जाता है बताएं आप मुझे। मैं यहां मिंबर पर बैठा हूं, तकरीर कर रहा हूं बाबुल भाई, मैं तकरीर करते करते कहूं मैं ये माइक छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये फर्श छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये वीडियो कैमरा छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये पंखा छोड़कर जा रहा हूं, तो जहीर भाई बाद में कहेंगे ना मौलाना आज जल्दबाज में कुछ ज्यादा बह गए। का भाई आपको क्या परेशानी है? का मौलाना बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, माइक छोड़कर जा रहा हूं, वीडियो कैमरा छोड़कर जा रहा हूं, पंखे छोड़कर जा रहा हूं, तो मौलाना से पूछिए क्या ये सारी चीजें ये अपने घर से लेकर आए थे? इसलिए छोड़कर वो चीज जाई जाती है जिसे लेकर आया गया हो। अगर मैं कहूं ये अमामा मैं छोड़कर जा रहा हूं, किसी को परेशानी नहीं होगी। अगर मैं कहूं मैं ये घड़ी छोड़कर जा रहा हूं, किसी को परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि इसे मैं अपने घर से लेकर आया हूं। तो छोड़ी वो चीज जाती है जिसे लेकर आया गया हो। अब मैं क्या करूं मुसलमानों? अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास से फकत दो ही चीजें लेकर आए थे, कुरान को सीने में लेकर आए थे, अहले बैत को लहू में लेकर आए थे। ये दो चीजें देखो, अल्लाह के रसूल दो ही चीज लेकर आए हैं, अहले बैत को लहू में लेकर आए, बाकी सारी चीजें यहां मिली हैं, उम्मत यहां मिली, सहाबा यहां मिले, अजवाज यहां मिली, अहले बैत वहां मिले। तो वही चीज छोड़कर जाएंगे ना जिसे लेकर आए हों, पूरी तवज्जो। तो डर था कि कहीं ये कुरान को बदल ना दे। उते बे कुरान इन गैर हादा, ए मेरे आका इसी कुरान में कुछ तब्दीली पैदा कर दीजिए, कोई दूसरा कुरान ले आइए। और ये मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान है, कुरान है कुरान। तो नबी ने भी कहा कि कुरान को अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा, कयामत तक कुरान के साथ अहले बैत को छोड़कर जाऊंगा। तवज्जो,
तो ये है वो नबी जिसके लिए अल्लाह कह रहा वमा तशाउना इल्ला अन यशाउल्लाह, ये बगैर अल्लाह की मर्जी के कुछ नहीं करते, इनका हर अमल अल्लाह की मर्जी, ये जंग करते हैं तो अल्लाह की मर्जी से, ये सुलह करते हैं तो अल्लाह की मर्जी से। अच्छा, मुझे पूरे कुरान की 6666 आयतों में कोई एक आयत भी दिखाओ कि अल्लाह ने कहा हो यूसुफ का चेहरा मेरा चेहरा, मूसा के हाथ मेरे हाथ, ईसा के पैर मेरे पैर, दाऊद की जुबान मेरी जुबान। मगर जब मेरे नबी की बात आई तो अल्लाह कह रहा हुआ मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, मेरा हबीब तो कुछ नहीं बोलता, ये वही कहता है जो वही कहती है। यानी अल्लाह क्या कह रहा है, ए मोहम्मद तेरी जुबान मेरी जुबान, तवज्जो, तेरी जुबान मेरी जुबान। अच्छा, ये तो नबी के जिस्म का एक और हिस्सा है। मेरे नबी ने पत्थर फेंका, अल्लाह ने कुरान में कहा मारा नहीं था इधरा नहीं था वलाकिन अल्लाह रवा, ए मेरे हबीब ये पत्थर आपने नहीं फेंका, ये पत्थर हमने फेंका है। क्या मतलब, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद तेरे हाथ मेरे हाथ। तो भाई एक जगह अल्लाह ने कहा ए मोहम्मद तेरी जुबान मेरी जुबान, एक जगह अल्लाह ने कहा है मोहम्मद तेरे हाथ मेरे हाथ। तो अब सवाल बनता है ना परवरदिगार, आखिर तुझे अपने नबी के जिस्म के इन दो आजा से, जुबान से और हाथ से ऐसा क्या काम लेना है कि तू कह रहा है मोहम्मद तेरी जुबान मेरी जुबान, मोहम्मद तेरा हाथ मेरा हाथ। पता चला गदीर के मिंबर पर जब अली को हाथों पर उठाया और जुबान से कहा मन कुंतु मौला, सब मिलकर माशाल्लाह। देखिए ऐसा है कि ये गला है ना, तो आप इसे गला ही समझिए, मशीन ना समझिए। आप सोचिए मुहर्रम की चांद रात से लेकर अब तक जो बोलता हुआ आ रहा हो तो ये सिर्फ सैयदा का मौजजा है जो बोल रहा हूं। वरना मेरे गले का इस वक्त यह हाल है और तबीयत ऐसी है कि मैं बहाने भी कर सकता था कि भाई नहीं आऊंगा, मगर आना पड़ा इसलिए कि वादा निभाना हुसैन से सीखा है। लिहाजा ये मजमा बाबे मदीनतुल इल्म का खैराती है, ये कलीम पर ना भी बोले तो कलाम पर जरूर बोलना है। तवज्जो, कलीम पर नहीं, आज आपको कलाम पर बोलना है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल लजीना सबकत लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून। वो लोग जो माजी में बहुत नेकिया कर चुके हैं, यानी पहले बहुत नेकिया कर चुके हैं, वो लोग रोजे महशर जहन्नुम से बहुत दूर रखे जाएंगे। तवज्जो, उलाई का वो लोग जहन्नुम से बहुत दूर रखे जाएंगे। कितने दूर रखे जाएंगे, अल्लाह कह रहा इतने दूर रखे जाएंगे कि जहन्नम के शोर की आवाज भी उन तक नहीं पहुंचेगी। तवज्जो, जहन्नम के शोर की आवाज तक उन तक नहीं पहुंचेगी। अखबार और महशर का हंगामा उनको परेशान नहीं करेगा, और वो जो चाहेंगे कयामत में वो होगा। तवज्जो, बड़ा अजीब जुमला है अल्लाह कह रहा है
उनको परेशान नहीं करेगा। وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ और फरिश्ते उनको झुक झुक कर सलाम करेंगे और उनसे कहेंगे हादा यौमुतुम लज़ी कुंतुम तुअदून, ये दिन तो आपका दिन है। तो अब मजमा मुझसे सवाल करेगा ना, मौलाना वो कौन लोग हैं जो जहन्नम से दूर होंगे? तो अल्लाह सूरह अहज़ाब में फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबान कुम रिज़्ज़ा अल-बैत, अरे जहन्नम से वही तो दूर होंगे जो दुनिया में निजात से दूर होंगे। तवज्जो है, कौन लोग दूर होंगे जहन्नम से? वो जो दुनिया में रिज से दूर होंगे। सलावात भूले मुक्त वो महशर में जहन्नुम से दूर होंगे, जो दुनिया में रिच से दूर होंगे। और अल्लाह कह रहा कयामत के दिन वो जो चाहेंगे वो होगा। तवज्जो, जो अली चाहेंगे वो होगा, जो फातिमा चाहेंगी वो होगा, जो हसन चाहेंगे वो होगा, जो हुसैन चाहेंगे वो होगा। भाई अल्लाह कहेगा ना अहले बैत, दुनिया में जो हम कहते गए वो आप करते गए। हमने कहा सर दे दो, आपने सर दे दिया। हमने कहा घर दे दो, आपने घर दे दिया। तो अहले बैत, दुनिया में तुमने वो किया जो मैंने कहा, अब महशर में जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। दुनिया में जिसे हमने अपना कहा उसे आपने अपना बना लिया, तो मैशर में जिसे आप अपना कहेंगे उसे हम अपना बना लेंगे। इसीलिए तो सैयदा ने कहा ना, मेरे लाल पर दो आंसू कोई बहा दे तो मैं उसको जन्नत लेकर जाऊंगी। कोई परेशान नहीं हुआ, मौलवी परेशान हो गया, दो आंसू के बदले कैसे जन्नत चाहिएगा? आप तो गुनाहगार हैं, तो आंसू के बदले कैसे जन्नत चाहिएगा? हमने कहा हाँ भाई, हम जन्नत नहीं जा सकते, हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे सुई के सुराख से ऊँटनी नहीं गुजर सकती। हम जन्नत नहीं जा सकते वैसे ही नहीं जा सकते जैसे हवा में कालीन नहीं उड़ सकता। हम जन्नत नहीं जा सकते वैसे ही नहीं जा सकते जैसे मछली के पेट में तलवी नहीं पड़ी जा सकती। हम जन्नत नहीं जा सकते वैसे ही नहीं जा सकते जैसे तूफान में कश्ती नहीं चल सकती। अब मौलवी घबरा के कहने लगा कि अरे ऊंट सुई के सुराख से उठनी गुजर सकती है, अगर गुजारने वाला साले नबी हो कालीन हवा में उड़ सकता है, अगर उड़ाने वाला सलमान नबी हो मछली के पेट में तलवी पड़ी जा सकती है, अगर पढ़ने वाला यूनुस नबी हो तूफान में कश्ती चलाया जा सकता है, अगर चलाने वाला नूह नबी हो तो हम गुनाहगार भी जन्नत जा सकते हैं अगर ले जाने वाली सैयदा हो। ज़हीर भाई, अगर ये दो नहीं लगता तो अभी मेरा क्या हाल होता? अरे मेरी तकरीर से जब मुनाफिक का कलेजा फट जाता है तो ये तो बॉक्स है। पूरी तवज्जो, अल्लाह कह रहा है फरिश्ते उनको झुक झुक कर सलाम करेंगे। वततलक्काहुमुल मलाइकतु, मलाइका उनको झुक झुक कर सलाम करेंगे और उनसे कहेंगे हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, ये जो मैशर का दिन है ये रोज़े जज़ा तो आपका दिन है। अरे अब तक नहीं पहुंचे? अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ये जो कयामत का दिन है ये अहले बैत का दिन है, और सूरह अलहक में कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, ये दीन का दिन है। एक तरफ कह रहा कुरान में ये दिन का दिन है, एक तरफ कह रहा है अहले बैत का दीन है। यानी अल्लाह कुरान में
वही दीन है, जो दीन है वही अहले बैत है। अरे हमें बहुत बाद में समझ में आई, ख्वाजा को बहुत पहले समझ में आ गया था, इसीलिए तो ख्वाजा ने कहा दीन अस्ते हुसैन। एक सलावत पढ़े सब मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो दीन है वही अहले बैत है। अहले बैत के हुक्म का नाम ही दीन है, जो अहले बैत कह दे उसी पर अमल करने का नाम दीन है, जो अहले बैत कर दे उसी पर अमल करने का नाम दीन है। फरिश्ते उनसे कहेंगे कि ये दिन तो आपका दिन है, और कसम खुदा की वो दिन उनका दिन क्यों ना हो, इसलिए कि दीन को बचाने वाले भी वो हैं और खुद दीन भी वो हैं। बस अदराने मजलूम करबला, मैंने आज अपनी गुफ्तगू समेट ली। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। ख्वाजा ने नहीं कहा कि हुसैन नमाज है, हुसैन रोजा है, हुसैन हज है, हुसैन जकात है, नहीं, हुसैन दीन है। तवज्जो, यानी कि दीन के हर सिस्टम को हुसैन से मिलाकर देखना। अगर हुसैन के साथ है तो फिर नमाज नमाज है, हुसैन के साथ है तो फिर सजदा सजदा है, वरना अल्लाह कुरान में कह सकता था मैं नमाजियों के साथ हूं, अल्लाह कह सकता था ना भाई नमाज तो सबसे बड़ी इबादत है। नबी फरमाते हैं फाइन कोबिलत कोबिला सबाहा फाइन रोदत रोदा मा सबाहा, ये कबूल तो हर अमल कबूल, ये रद तो हर अमल रद। तो परवरदिगार कुरान में कह देता तू नमाजियों के साथ है, अल्लाह तू कह देता तू रोजेदारों के साथ है, परवरदिगार तू कह देता तू हाजियों के साथ है, मालिक तू कह देता तू ज़कात देने वालों के साथ है का नहीं। अगर अल्लाह कुरान में ये कह देता कि मैं नमाजियों के साथ हूं, तो कयामत तक ये फैसला नहीं हो पाता कि अल्लाह करबला में किसके साथ था। इसलिए कि नमाज यहां भी वहां भी, रोजा यहां भी वहां भी, हज यहां भी वहां भी, अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मा साबरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। क्यों? इसलिए कि यजीद जबर करने वाला था, हुसैन सब्र करने वाले थे। अल्लाह का कुरान में ऐलान है मैं हुसैनियों के साथ हूं। अब आज के जमाने में अगर तलाश करना हो कि हकीकत में इस्लाम किसके साथ है, इसलिए कि मुसलमान आज 73 फिरकों में बटा हुआ है, तो अगर ये तलाश करना हो कि हकीकी इस्लाम किसके पास है, तो फिर ये देखना कि हुसैन किसके साथ है। कौन है जो आज तक हुसैन को नहीं भूला? इसलिए कि ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये जकात, ये कुरान, ये काबा, इन सबों का मुहाफिज हुसैन है। अगर हुसैन सर ना कटाता तो फिर आज किसी को तौफीक नमाज नसीब नहीं होती, किसी को तौफीक सजदा नसीब नहीं होता। वो एक हुसैन जिसने सर देकर सारी शरीयत को बचा लिया। कसम खुदा की सलाम हो हमारा उस हुसैन पर। अज़ादारों, चेहलुम भी गुजर गया फिर भी आप हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में यह मजमा यहां पर आया हुआ है, ये वो दौर है कि जब लोग किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी से गला मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, मगर आज यहां पर इतनी भीड़ है, किसी को कोई खौफ है? किसी को कोई डर है? कहा नहीं, इसलिए कि यह हुसैन की फर्शियादा है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजाह, हुसैन
हिदायत का चराग है, हुसैन निजात का सफीना है। जिसको निजात चाहिए उसे हुसैन के दरबार में आना पड़ेगा। इस्लाम सन 61 हिजरी को निजात तलाश कर रहा था, इस्लाम को सहारा मिला तो हुसैन का सहारा मिला। इस्लाम करबला में यह आवाज दे रहा था, हुसैन मेरे सीने में मुझे दर्द महसूस हो रहा है। हुसैन ने कहा, इस्लाम घबरा मत, मैं तुझे अकबर का सीना दे दूंगा। इस्लाम ने कहा, हुसैन मेरे बाजुओं में तकलीफ है। हुसैन ने कहा, इस्लाम घबराता तू है, मैं तुझे अब्बास के बाजू दे दूंगा। इस्लाम ने कहा, हुसैन मेरे सर पर कोई साया नहीं है। इस्लाम ने कहा, हुसैन ने कहा, घबराता तू है, मैं तुझे ज़ैनब की चादर दे दूंगा। इस्लाम ने कहा, हुसैन मेरे जिस्म में कमजोरी है। का इस्लाम घबराता क्यों है, मैं तुझे कासिम का जिस्म दे दूंगा। हाँ दादा रो, हुसैन का सब कुछ लुट गया, मगर करबला में इस्लाम का सब कुछ बच गया। अदालारो इंसाफ से बताना, यह मुसलमानों का इलाका है, अगर यहां पर कोई गरीब मुसलमान हो, मर जाए, उसका कोई वारिस ना हो और उसकी लाश सड़क पर पड़ी हो, तो क्या आप उसके जनाजे को छोड़ देंगे? कहा नहीं मौलाना, कुछ गैरतमंद मुसलमान निकलेंगे, उसके उस कफन का इंतजाम करेंगे, मगर उसके लाशे को तू ही नहीं छोड़ेंगे। हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय करबला का मैदान, 3 दिन तक नबी के नवासों का जनाजा, बेदोरो कफन। अजरकुम मिन अल्लाह। अदादारो जब शामे गरीबा हुई ना, तो जनाबे ज़ुहैर इब्न क़ैन की ज़ौजा सफर में थी। जब ज़ौजा ज़ुहैर को यह खबर हुई कि आले मोहम्मद करबला में कत्ल कर दिए गए, तो एक मरतबा ज़ौजा ज़ुहैर ने अपने गुलाम को बुलाया और संदूक से निकाल कर गुलाम के हवाले कफन किया और कफन देकर कहा कि ये कफन जाकर करबला में मेरे शहर ज़ुहैर को उड़ा देगा। अदादारो गुलाम गैरतमंद था, एक मर्तबा कहने लगा, बीबी करबला में तो आले मोहम्मद के भी लाशें पड़े होंगे। ज़ौजाए ज़ुहैर ने कहा, हुसैन नबी के नवासे हैं, किसी न किसी ने हुसैन को कफन उड़ा दिया होगा। अब्बास अली का बेटा है, किसी न किसी ने अब्बास को कफन दे दिया होगा। अकबर शबीहे पैगंबर है, किसी न किसी ने अकबर को कफन उड़ा दिया होगा, मगर मेरा ज़ुहैर दश्ते नैनवा में अजनबी है, मेरे ज़ुहैर का लाशा यूं ही पड़ा होगा। अदादारो सुने क्या, गुलाम कफन लेकर करबला तो गया, मगर वही वापस वही कफन लेकर लौट आया। ज़ुहैर की ज़ौजा ने पूछा, कफन लेकर वापस क्यों आ गया? गुलाम कहने लगा, बीबी करबला में एक नहीं 72 कफन चाहिए। अरे कहीं कासिम का लाशा, कहीं अकबर का जनाजा, कहीं अब्बास के बाजू, कहीं हुसैन का लाशा। अजरकुम मिन अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। 3 दिन तक लाश पड़ी रही, मगर कोई कफन देने वाला नहीं था। और कैसी लाश, सरे बुरीदा लाश। जब शामे गरीबा आई ना, एक एक सर काट कर नैदे पर चढ़ाया गया। एक मर्तबा पिसरे साल लानती ने खूनी मलून से कहा, खूनी जरा सरों को गिन कर बता कितने सर हैं। खूनी लानती ने सरों को गिना, कहा 71 सर हैं। पिसरे साद ने कहा, मैंने तो सुना 72 लोग कत्ल किए गए, ये 71वां 72वां सर किसका है?
दिया। अदादारों बस ना मुंह में पढ़ने की ताकत, ना आप में सुनने की ताकत। जालिम कहने लगा अपने साथ कुछ नेता सवालों को लेकर जा, अरे अजमर के लाश को जमीन से खोद कर निकाला जाए। हाँ मेरी माँ बहनो अपने आप को संभालना, अरे कोई नेता सवाल चले जमीन पर नेता मारते हुए। हमीद कहता है एक जालिम ने जो नेता मारा, अरे नेता निकाला, नेता तो निकल गया मगर नेते में फंस कर, अरे अजमर का नाशा, अजमर का जनाजा। अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय होता है।